अग्निपथ पर साजिश का प्लान 35 देखा और अब आपको दिखाते हैं कि कैसे अग्निपथ पर हिंसा भड़काने वालों को सेना ने सख्त लहजे में जवाब दिया है। अग्निपथ योजना के तहत 4 साल की नौकरी का जो विरोध कर रहे हैं, कहीं ऐसा न हो कि वो अग्निवीर बनने से ही चूक जाएं, क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री के एडिशनल सेक्रेटरी लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी ने कहा कि जो लोग विरोध प्रदर्शन करेंगे उन्हें अग्निवीर बनने का मौका नहीं मिलेगा। और ये भी बता दिया गया है कि अग्निपथ स्कीम रोल बैक नहीं होने वाली। अग्निपथ योजना के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन करने वालों के खिलाफ यूपी में एक्शन होता है। 384 लोग गिरफ्तार कर लिए जाते हैं और यूपी के 14 जिलों में 34 मुकदमे दर्ज होते हैं। मोदी सरकार की अग्निपथ योजना के खिलाफ बिहार में हिंसक विरोध प्रदर्शन होता है, 804 लोगों की गिरफ्तारी होती है और 145 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज होती है। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर आगजनी और हिंसा के सिलसिले में 46 लोग गिरफ्तार होते हैं और सबसे बड़ी बात, अलीगढ़ में 9 कोचिंग सेंटर चलाने वालों को भी गिरफ्तार किया जाता है। इसके बावजूद भी अग्निपथ पर देशव्यापी बंद यानी भारत बंद बुलाया जाता है। सोमवार को अग्निपथ पर विरोध हिंसक तो नहीं होता, लेकिन मौन आक्रोश की तस्वीरें देश भर से आती हैं। अब सवाल ये है कि क्या इस विरोध में अग्निपथ योजना पर कोई असर पड़ा? क्या अग्निपथ योजना पर सरकार झुक गई? क्या इस विरोध से अग्निपथ योजना रद्द हो पाएगी? तो इन सारे सवालों के जवाब अब हम आपको देने जा रहे हैं। तो सुनिए, तीनों सेनाओं के अधिकारियों ने सबसे पहले ये तो साफ कर दिया कि अग्निपथ स्कीम को किसी भी कीमत पर वापस नहीं लिया जाएगा। साथ ही साथ मोदी सरकार की अग्निपथ योजना में पलीता लगाने वालों को भी भारतीय सेना ने सीधा मैसेज दे दिया है। डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री के एडिशनल सेक्रेटरी लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी ने सपाट लफ्जों में कह दिया है कि अनुशासन ही भारतीय सेना की नींव है, आगजनी तोड़फोड़ के लिए कोई जगह नहीं। भर्ती से पहले पुलिस वेरिफिकेशन जरूर होगा, अगर किसी के खिलाफ FIR हो गई तो उसे अग्निवीर नहीं बनाया जाएगा। सभी को एक डिक्लेरेशन देना होगा कि वो आगजनी और विरोध प्रदर्शन का हिस्सा नहीं है। ये बच्चे कौन से हैं? मैंने आपको बताया 70% आए थे गांव से, अब वो आए थे, उन्होंने ना जाने कहां कहां से लोन लेके यहां पे पहुंचे हैं। यहां पे लोन लेने के बाद वो पढ़ रहे हैं और उन्हें आशा दी जा रही है। ये आशा कौन दे रहा है? वो कोचिंग इंस्टीट्यूट वाला। फाइनली उनको स्ट्रीट पे कौन भेज रहा है? इसका काफी योगदान है। और इसके अलावा ऐसे लोग हैं जो भड़कावे में आ रहे हैं, इसका हम कर रहे क्या है? इसका ऐसा करा जा रहा है कि हर एक इंडिविजुअल जो हमारे साथ अग्निवीर स्कीम में जुड़ना चाहता है वो अपना सर्टिफिकेट देगा, प्लेज करेगा कि उसने ना तो किसी प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया है ना ही किसी तोड़फोड़ में हिस्सा लिया है। ये प्रावधान करा गया है। अब एक तरफ तो प्रदर्शनकारियों को तगड़ी नसीहत है, दूसरी अग्निपथ योजना के तहत थल सेना में भर्ती प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। इसके जरिए ये संदेश देने की कोशिश साफ है कि या तो विरोध प्रदर्शन कर लो या फिर 4 साल वाली अग्निवीर की नौकरी ले लो, और वो भी जल्दी करो वरना कहीं मौका हाथ से ना निकल जाए। 20 जून को भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। नोटिफिकेशन में योग्यता, शर्तें, भर्ती प्रक्रिया, वेतन भत्तों से लेकर सर्विस रूल्स तक का ब्यौरा है। जुलाई से सेना की अलग अलग भर्ती इकाइयां अपने हिसाब से अधिसूचना जारी करेंगी। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए joinindianarmy.nic.in पर जाना होगा। रेगुलर कैडर को लेकर नोटिफिकेशन में कहा गया है कि 4 साल के बाद चयनित अग्निवीरों को अगले 15 साल के लिए शामिल किया जाएगा। थल सेना में भी अग्निवीरों को साल में 30 छुट्टियां मिलेंगी। अग्निवीरों को कोई महंगाई भत्ता या मिलिट्री सर्विस पे नहीं मिलेगा। आज जो करंट सिपाही से जो उसके ऊपर होदेदार है, आप सिपाही का जो है वो आप उसको जोश का कंपोनेंट मानिए, और जो 1.28 का कंपोनेंट है NCO से ऊपर, मतलब नायक हवलदार नायब सूबेदार हमारे जैसे होदेदार, वो सब मिला के 1.28 है। हम चाहते थे कि ये यूथफुल प्रोफाइल आने से जो जोश और होश का कंपोनेंट है ये तकरीबन बराबर हो जाए। एंड इससे होगा क्या? आइडियल मिक्स यूथफुलनेस एंड एक्सपीरियंस का, अगेन गोइंग बैक, जोश और होश का एक्सपीरियंस तकरीबन बराबर हो जाएगा।
अग्निवीरों की भर्ती के लिए देश के कोने कोने में कुल 83 भर्तियां रैलियां आयोजित की जाएंगी। देश का कोई गांव नहीं बचेगा जहां के युवाओं को भर्ती का मौका नहीं मिलेगा। हम आपको बता दें कि अग्निपथ योजना के तहत भर्ती रैलियां अगस्त, सितंबर और अक्टूबर में होंगी। करीब 25,000 रंग रूटों की ट्रेनिंग दिसंबर के पहले और दूसरे हफ्ते में शुरू हो जाएगी। ट्रेनी अग्निवीरों का दूसरा बैच 23 फरवरी 2023 के आसपास ट्रेनिंग शुरू करेगा। करीब 40,000 कर्मियों के चयन के लिए देश भर में कुल 84 भर्ती रैलियां होनी है। 14 जून मंगलवार के दिन केंद्र सरकार में जवानों की भर्ती के लिए अग्निपथ योजना की घोषणा करती है, लेकिन सरकार की सोच से परे देश के कई राज्यों में अग्निपथ योजना का भयंकर विरोध होना शुरू हो जाता है। 4 साल के लिए सेना में अग्निवीरों की भर्ती के लिए ऐसा बवाल मचता है कि लोग सड़कों, रेलवे ट्रैक पर आ जाते हैं। प्रदर्शनकारी कहते हैं कि उन्हें 4 साल का टूर नहीं, नौकरी चाहिए। अब सेना देश में अग्निवीरों की अहमियत समझा रही है। ये जो 70% बोल रहा हूँ, ये सारी इनटेक हमारी उस किस्म की है जिस जो सोल्जर आपके लिए जाके आगे देश की रक्षा करता है, ये वो सोल्जर है जो 10वीं क्लास पास है। 12वीं क्लास के हम ले सकते थे, बट सी हमारा काम थोड़ा जोखिम का है। एंड आप देखते हैं जब भी युद्ध हुए हैं, कितनी चाहे ऑफ पवन हो, उसके बाद ऑफ पराक्रम हो, चाहे कारगिल वॉर हो, चाहे गलवान हो, आपकी भी आंखें भर जाती होंगी और आपका दिल पिघल जाता होगा जब आप देखते हैं बॉडीज नीचे आती हो। तो ये काम थोड़ा अलग किस्म का है। तो आप इस काम को मद्देनजर रखते हुए हमने देखा कि इसकी उम्र 17.5 एक एंड पे, दूसरे एंड पे 21, इसमें कोई तब्दीली नहीं है। ये पहले भी वही थी और आज भी वही है। अग्निपथ योजना की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रक्षा मंत्रालय की तरफ से एक और नया ऐलान किया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी ने बताया कि सेना में सर्विस के दौरान शहीद होने पर 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। आज तक ब्यूरो।